सभी सुंदर साथ को कोटानकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 125 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किरंतन पुराणा पौराणिक। तमे जो जो रे मारा साध संघाती, आ विश्वतणी जे वाट, हार कतार चाले केड़ा बेड़ी, भवसागर नो घाट। तमे जो जो रे मारा साध संघाती। हे साधु महात्माओं, देखो संसार का मार्ग ही कुछ ऐसा है। लोग चींटी कतार की भांति एक दूसरे की देखा देखी आगे पीछे चलकर भवसागर के घाट उतर रहे हैं। स्वाथी मार्ग चाले संजमपुरी, भार भरी रे अलेखे, कुटुम्ब परिवार लादा सहुला दे, आगली अजाड़ी कोई न देखे। यमपुरी का मार्ग चलने में बहुत ही सरल लगता है, इसीलिए लोग अपने संचित कर्मों द्वारा कुटुंब परिवार का भार अपने कंधों पर उठाते हुए उस मार्ग पर चलते हैं, किंतु आगे की उलझनपूर्ण खाई को कोई नहीं देखता। दुस्तर दोष न विचारे मदमाता, लड़ सड़ती चाल चाले, उन्मद थका अभिमान करे, अने कंठ बाहोड़ियो घाले। मोहम्मद की मस्ती में चूर हुए ऐसे लोगों को अपने बड़े बड़े दोष भी दिखाई नहीं देते, इसीलिए वे डगमगाते हुए चलते हैं। मोह से उन्मत्त होकर वे अभिमान पूर्वक एक दूसरे के गले में बाहें डालकर चल रहे हैं। उत्तम आगल वाट दिखाड़े, मध्यम अधम सहुवासे, भार कर्मनु लेखुरे अलेखे, मनमा विचारी कोई नव त्रासे। इस संसार में कर्मकांडी ब्राह्मण स्वयं को उत्तम ज्ञानी समझकर दूसरों को उपदेश देते हैं। सामान्य और मध्य श्रेणी के लोग उनके निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करते हैं, परंतु कर्मों का भार अत्यंत भारी होता है। ऐसा विचार कर किसी के भी मन में भय नहीं होता। बोलिया बीक न आने के हनी, सांभले न काई देखे, साचा ए सूर धीर कहिए, जे ए दोष ने न लेखे। ऐसे लोग स्वयं को शक्तिशाली मानकर किसी का भी भय नहीं रखते। वे सज्जनों की वाणी अथवा उपदेश भी नहीं सुनते, तथा उस पर विचार पूर्वक दृष्टिपात भी नहीं करते। क्या ऐसे तथाकथितों को ही सुरवीर कहा जाए, जिनको अपने दोष ही दिखाई नहीं देते हैं। कायर केम चाले एणी वाटे, जेने लागे ते जमनो त्रास, रात दिवस रुए कल कले, सुकाए ते लोही ने मास। जिन्हें यमदूतों का भय होता है, ऐसे भयभीत लोग यमपुरी के मार्ग पर कैसे चल पाएंगे। वे तो इस संसार के दुख भोगते हुए रात दिन व्याकुल होकर भजन भक्ति करते रहते हैं, तथा अपनी कष्ट साध्य साधना में शरीर के रक्त व मांस को भी सुखा देते हैं। वैकुंठनी पड़ विस्मी वाट, ते जेम तेम सहवाए, संजमपुरी ना दुख घना दोहेला, ते जिभ्याए न कहवाए। वैकुंठ का मार्ग भी अत्यंत कठिन है, तथापि उस पर जैसे तैसे चला जा सकता है, परंतु यमपुरी के दुख तो असह्य है, उसका वर्णन तो इस जिह्वा द्वारा नहीं हो सकता।
आसुपन तना सुख सहु को वाचे, ओलिया साख्यात दुख कोई न जाने। संजम पुरी नो वाट छे वस्ती, ते माटे सहु कोई ताने। सब लोग स्वप्नवत संसार के झूठे सुखों को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, परंतु इन सुखों के बदले 84 लाख योनियों के प्रत्यक्ष दुखों को कोई नहीं देखता। यमपुरी जाने के मार्ग पर तो भारी भीड़ लगी हुई है, इसीलिए लोग उसी ओर आकृष्ट होते हैं। उजड़ मार्ग वैकुंठ केरो, ते माटे कोई न चाले। बहतल नहीं मोहे चोर मले, दूथामा पग कोई न घाले। वैकुंठ का मार्ग तो उजाड़ है, इसीलिए इस मार्ग पर कोई नहीं चल पाता। वहां बस्ती न होने के कारण चोर मिलते हैं, अर्थात साधक की भजन भक्ति ज्ञान वैराग्य रूपी संपदा को काम क्रोध लोभ मोह आदि लुटेरे लूट लेते हैं, इसीलिए ऐसे कठिन मार्ग को कोई नहीं ग्रहण करता। वस्ती विना लिए चोर लूसी, आड़ा दोस घना रे दुकाल। लोही मास न रहे अंग माही, आड़ी खाइयो पर्वत पाल। उजाड़ मार्ग होने से वैकुंठ के मार्ग पर चलने वाले को चोर लुटेरे लूट लेते हैं। इस मार्ग पर अनेक दुष्कर दुख व्यवधान रूप बन जाते हैं, इसीलिए इस दुष्कर मार्ग पर चलने के कारण शरीर के रक्त और मांस भी सूख जाते हैं, और आशा तृष्णा कामेच्छा रूपी बड़े बड़े पर्वत तथा गहरी खाइयां भी मार्ग में अवरोधक बन जाती है। ते माटे सहु चाले संजम पूरी, उवट कोणे न उगमाए। संजम पूरी ना दोष जाग्या पछी, श्रवणाए न संभलाए। इसलिए प्राय लोग यमपुरी के सरल दिखाई देने वाले मार्ग पर चलते हैं। वैकुंठ के विषम कठिन मार्ग पर चलना उनको रुचिकर नहीं लगता, परंतु ज्ञान प्राप्त होने के बाद यमपुरी के दुखों का आभास होने पर उन दुखों का वर्णन भी उनसे सुना नहीं जाता। वैकुंठ वाटना दुख जो सहिए, सो आगल सुख अखंड। वेद पुराण भागवत कहे छे, भाई जिहां लगे छे ब्रह्मांड। यदि वैकुंठ मार्ग के कष्ट धैर्य पूर्वक सहन किए जाए तो इससे आगे अनेक अखंड सुख प्राप्त होंगे। वेदों पुराणों और भागवत में ऐसा वर्णन है। हे सज्जनों, जब तक यह विश्व टिका रहेगा तब तक वैकुंठ के सुख भी टिके रहेंगे। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ का 126 की 12 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाई का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।